हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि क्लाइंट के आर्टिकल को कैसे लाइव करना है। मेरे पास एक क्वेरी थी कि हम क्लाइंट को किस तरीके से लिंक प्रोवाइड कराएंगे और किस तरीके से सारे स्टेप्स को फॉलो करेंगे। तो फिर मेरे पास इस टाइम पे एक कंटेंट है क्लाइंट का, तो मैं आप सभी के सामने इसको लाइव करके दिखाता हूँ। और सबसे पहले हमारा स्टेप रहता है कि कॉपीड कंटेंट है या नहीं, यूनिक कंटेंट है या नहीं, इसको चेक करना। तो स्मॉल एसईओ टूल को हम यूज़ करते हैं, आपने सबसे पहले वो चेक करना है। मैं कर चुका हूँ। और इसमें एक चीज़ मैं बताता हूँ आपको कि अगर आपका कंटेंट किसी क्लाइंट ने कंटेंट भेजा है और वो 5-7% अगर कॉपीड भी शो कर रहा है स्मॉल एसईओ टूल में, तो वो चल जाएगा। उसका रीज़न है कि कुछ स्टेटमेंट्स ऐसे हो सकते हैं जिसे हम बदल नहीं सकते, सभी साइट्स पे सेम जाएंगे, तो गूगल उसको कॉपीड शो करता है या कोई भी एल्गोरिदम उसे कॉपीड ही शो करेगी। साथ के साथ कुछ यूनिवर्सल ट्रूथ्स होते हैं जिन्हें हम बदल नहीं सकते, तो वो वैसे के वैसे ही जाएंगे, वैसे के वैसे हमें लिखने पड़ेंगे, तो उसको हम चेंज नहीं कर सकते। और इसके बाद अगर कोई न्यूज़ है, जैसे विराट कोहली ने अगर 70 रन मारे हैं, तो वो हर जगह 70 रन विराट कोहली के लिखे ही जाएंगे, हम उसे बदल के 57 या कुछ भी कम या बढ़ नहीं कर सकते ना। तो वो ये चीज़ें होती हैं जो कॉपीड शो हो जाती हैं कई बार, तो इसको आप इग्नोर कर सकते हो। लेकिन ऐसा नहीं कि 50-60% ही कंटेंट कॉपीड आ रहा हो आपके पास और आप उसको पब्लिश कर रहे हो। तो ये चीज़ पहली है जो आपको ध्यान रखनी है। कुछ कंटेंट अगर हल्का फुल्का कॉपीड है, तो आप अगर उसको चेंज कर सकते हो तो आप खुद भी चेंज कर लो, नहीं तो फिर उसको इस तरीके से लाइव कर सकते हो, 5-7% की दिक्कत नहीं है। और एक रीज़न ये भी होता है कि ये जो टूल्स हैं ये हमारे पेड टूल्स नहीं है, तो एग्जैक्ट आपको नहीं शो कर रहे होते रिज़ल्ट, एक आइडिया दे रहे होते हैं। अब हम यहाँ पर पब्लिश कर रहे हैं इसको, तो अब आप देखोगे यहाँ पे कि यहाँ पे इस क्लाइंट ने मेरे को भेजते हुए इंटरनल लिंकिंग मेरी खुद से करके दी हुई है, मेरी वेबसाइट का लिंक खुद ही लगा के दिया हुआ है कि फास्टैग क्या है, और इनका यहाँ पर एक डू फॉलो लिंक खुद भी लगा होगा, npci.org.in। तो ये इनका खुद का लिंक लगा हुआ है, मतलब कि मैं डू फॉलो इस साइट को दे रहा हूँ, ये मेरे से अपनी साइट के लिए डू फॉलो ले रहे हैं। यहाँ पे इंटरनल लिंकिंग के लिए इन्होंने खुद से करके दिया है। अगर ये खुद से नहीं करके दे रहे, तो इंटरनल लिंकिंग आपको खुद करनी है, जिस तरीके से हम बाकी कोई भी आर्टिकल पब्लिश करते हुए पे करते हैं। तो यहाँ हो क्या रहा है, सिर्फ चेंज इस उसमें है कि कंटेंट क्लाइंट ने भेजा है हमें और उसने अपना ये वाला लिंक लगाया हुआ है, बाकी हमें इस बात से मतलब नहीं है कि उसने ये लगाया है या नहीं लगाया है। अगर उसने लगाया है तो बहुत अच्छा है, अगर उसने नहीं लगाया है तो आप खुद से लगा लो, खुद से इंटरनल लिंकिंग कर लो। इसी के साथ साथ जैसे यहाँ पे KYC है, तो मैं पे विकिपीडिया का लिंक लगाना चाहता हूँ, सोर्स और मेंशन करना चाहता हूँ मैं, तो वो मैं कर सकता हूँ ताकि मेरे और भी ज़्यादा आर्टिकल नेचुरल लगेंगे। तो KYC का मैं विकिपीडिया लिंक ले लूँगा और वहाँ पर जाकर लगा दूँगा। ये चीज़ हम इसलिए करते हैं ताकि इसमें से गूगल के पास इंडिकेशन ये ना जाए कि क्लाइंट हम मतलब पेड पोस्टिंग कर रहे हैं, क्लाइंट का लिंक मेंशन कर रहे हैं। अब इसमें इंटरनल लिंकिंग भी है, एक्सटर्नल लिंकिंग भी है, तो ये थोड़ा सा नेचुरल लिंक आर्टिकल बन जाता है। अब आपको क्या करना है, जिस तरीके से आप अपने बाकी आर्टिकल्स पब्लिश करते हो, नॉर्मल आर्टिकल इसको सेट कर दोगे, जो भी आपको दिख रहा है कि इस आर्टिकल में कमी है, तो उसको आप चेंज कर दो अपने हिसाब से, और फिर उसके बाद आर्टिकल को लाइव कर दो। अब ये आपके ऊपर है कि आप कितना सीरियसली इसको इस फॉर्मेट वगैरह को सेट करते हो या किस तरीके से काम करते हो। बाकी इसमें कुछ भी ऐसा खास नहीं है कि आपको कुछ ज़्यादा इसमें ध्यान देना हो। कई बार होता है क्लाइंट का आर्टिकल जो है वो इतना ज़्यादा फॉर्मेट मतलब अलग अलग होता है, सेट नहीं होता, तो वो आपको सेट करना पड़ता है। लेकिन इसमें सेट है, इसमें मेरे को ज़्यादा कुछ करना नहीं है, और मैं जिस तरीके से आर्टिकल्स लाइव करता हूँ, तो मैं उसी तरीके से ही इस वाले को आर्टिकल को लाइव कर दूंगा। और ये केवल एक आइडिया देना था मुझे आपका कि किस तरीके से हम लाइव करते हैं। जिस तरीके से हमारे नॉर्मल आर्टिकल्स जा रहे होते हैं, वैसे ही जाएगा ये। और केवल एक क्लाइंट को लिंक जो मेंशन है वो इसमें चेंज है, ये वाला जो डू फॉलो लिंक पहले से क्लाइंट मेंशन करके हमें भेजता ही है, और अगर नहीं भेजेगा तो वो आपको ईमेल में मेंशन कर देगा। और साथ साथ यहाँ पे इंटरनल लिंकिंग हमने की है, ये क्लाइंट ने खुद करके दी थी, अगर नहीं करके देता तो हम खुद करते हैं। एक्सटर्नल लिंकिंग ये हमारे को वैसे अपने सभी आर्टिकल में करनी चाहिए, आइडियल वे हमारा यही होता है एसईओ का, तो वो मैंने यहाँ पर खुद करी है। बस यही है,
अब इसके बाद आप इमेज सेट करोगे इसका। अगर आप जो भी प्लगइन यूज़ करते हो, मैं योस्ट यूज़ करता हूँ, तो मैं योस्ट के अकॉर्डिंग इसको फॉलो कर लूँगा और इसको पब्लिश कर दूँगा। तो मैं अभी इसको ड्राफ्ट में छोड़ रहा हूँ, आपको बस इसी तरीके से ही लाइव करना है आर्टिकल, इसमें ज़्यादा कुछ और करने को है नहीं। अगर इसमें अभी कुछ और डाउट हो आपको, तो वो आप मेरे से पूछ सकते हो।